कश्मीर के जो आज के हालात हैं वो 2014 से पहले जो 10 साल गुजरे उसमें धीरे धीरे ये अंदर ही अंदर पनपा है। जो सूफिज्म, जो कश्मीर सूफिज्म के लिए जो माना जाता था, ये उन 10 साल के अंदर धीरे धीरे वहाबिज्म की तरफ बढ़ा और वो आज फटके उभर रहा है। इसको पूरी तरह से नियंत्रण में करा हुआ है। ये अक्सर जो जनता देखती है, मैं एक जगह कह रहा था कि कैमरा जो होते हैं वो जहां पत्थरबाजी हो रही होती है कैमरे वहीं जाते हैं, और आम जनता जो पूरे देश में जो देखती है वो वही देखती है जो ये कैमरे दिखलाते हैं। हालात खराब नहीं है, हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और सेना कम से कम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है कि उनको अपने कंधे से मुड़कर पीछे दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली में नहीं देखने की जरूरत। जब उनको कोई एक्शन लेना है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, और जहां उनको लगता है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है तो पूरी हिम्मत से और अपने सिखाई हुई टेक्निक से वहां पर एक्शन लेना है।